और वहीं बीजेपी सांसद अरविंद शर्मा ने प्रदेश सरकार पर जो भ्रष्टाचार और द्वेषपूर्ण भावना से काम करने के आरोप लगाए थे, उनका रोहतक से कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा भी समर्थन करते हुए नजर आए हैं और भ्रष्टाचार के आरोपी की सीबीआई से जांच करवाने की मांग तक उन्होंने कर दी है। कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा है कि प्रदेश की मौजूदा सरकार पर उनकी ही पार्टी के सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उससे यह तय हो गया है कि प्रदेश में सरकार किस तरह से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अरविंद शर्मा ने जो अमृत योजना के भ्रष्टाचार की बात की है वो बिल्कुल सही है। पूरे प्रदेश में अमृत योजना का बजट 2500 करोड़ रुपए था और इस तरह यह आरोपों से यही तय हो गया है कि वो 2500 करोड़ रुपए सही तरीके से नहीं लगाए गए हैं, इसलिए इस भ्रष्टाचार के मामले की सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से अमृत स्कीम को रखा हुआ है और उसके अंदर जो रोहतक के अंदर उसके अंदर धांधली हुई और जो भ्रष्टाचार हुआ, मैंने तो विधानसभा का यहाँ का सांसद भी ये कहता है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ और उस सांसद की बात को डिसबिलीव करके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अप्रूव दो। मुख्यमंत्री को चाहिए था, जब सांसद है, रिप्रेजेंटेटिव है, 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है और जब उन्होंने कह दिया कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए तो इमीडिएटली मुख्यमंत्री को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए।